नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पहले हवाई यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ और अब मुसाफिरों की जेब पर डाका। डीजीसीए ने इंजन में खराबी के चलते गोएयर और इंडिगो के कुछ विमानों पर रोक क्या लगाई। रोज फ्लाइट कैंसिलेशन की खबरें आ रही हैं। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ तो पिछले 3 से 4 दिनों में उड़ानों के ऑप्शन कम हो गए हैं, तो दूसरी तरफ एयरलाइंस ने टिकट महंगे कर दिए हैं। बिजी रूट पर तो एयरलाइंस ने किराया दोगुना तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस महीने इंडिगो और गोएयर ने कुल 636 फ्लाइट रद्द करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से हवाई यात्रियों को और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आए दिन A320 नियो प्लेन के इंजन में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो के 8 और गो एयर के 3 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए थे। इसके चलते इस महीने इंडिगो और गो एयर ने अपनी 626 उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है। इसका फायदा उठाने में दूसरी एयरलाइंस भी पीछे नहीं रही। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ रूट्स पर किराया दुगने से ज्यादा बढ़ गया है। एयरलाइंस पर एक्शन, यात्रियों की बढ़ी टेंशन, कम हुई फ्लाइट्स, दुगने हुए दाम। मसलन, अगर आप आज दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो आपको एयर इंडिया से सफर करने के लिए 13,543 रुपए चुकाने होंगे। वहीं जेट एयरवेज से सफर करना चाहते हैं तो 13,711 रुपए देने होंगे। ऐसे ही एयर विस्तारा से सफर करने के लिए 14,641 रुपए चुकाने होंगे। मैंने 2 महीने पहले अपनी बॉम्बे से दिल्ली की टिकट करवाई थी, बट ये सब इशू हो गया, ग्राउंडेड हो गई सारी फ्लाइट, से टिकट कैंसिल हो गई है। बाकी जो जितनी फ्लाइट है उसके टिकट इतने महंगे कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 8-8, 9-9 हज़ार तो नहीं कर सकते, तो मेरा पूरा प्लान कैंसिल हो गया और बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है मुझे। हाँ, मेरे प्लान थे पर मैं 3 महीने पहले बुक करवाई थी और सडनली ये सब की वजह से आई कांट गो एनी मोर। तो हाँ, एंड टिकट ट्रेन के नहीं मिल रहे, बाकी सब बहुत कॉस्टली है, सो आई कांट। जो टिकट का प्राइस जो बढ़ गया, अभी प्लेन का जो अभी प्रॉब्लम सब चल रहा है, अभी प्लेन का सब सुरक्षित है करे तो पैसेंजर का जो अपना रिस्क जो होता है वो तुरंत सब अच्छा है करे। ऐसे में अगर आप दिल्ली से कोलकाता जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इंडिगो से यात्रा के लिए 9,791 रुपए देने होंगे। एयर एशिया से सफर करने के लिए 10,172 रुपए चुकाने होंगे। जेट एयरवेज से कोलकाता जाने के लिए 10,572 रुपए देने होंगे। मुंबई से अहमदाबाद का किराया भी 3 गुना तक बढ़ गया है। एयर इंडिया से सफर करने के लिए 10,200 रुपए देने होंगे। जेट एयरवेज से यात्रा करने के लिए 10,800 रुपए और विस्तारा से सफर करने के लिए 19,700 रुपए चुकाने होंगे। मेरा जनरली अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद अहमदाबाद दिल्ली ट्रैवल होता रहता है, पर अभी जो इंडिगो ने और गोएयर ने जो फ्लाइट से कैंसिल करी है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं। उनकी कैंसिलेशन की वजह से अदर एयरलाइंस ने चार्जेस डबल से ट्रिबल, यानी जो चार्जेस 2-2.5 हज़ार रुपया होता था उसकी जगह आज 10,000-20,000 उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। हम जैसे बिजनेस लोग हैं, हमको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना था दूसरी सिटीज में काम के लिए। अभी पिछले बार ही देख लो कि लास्ट वीक मेरे को गोवा जाना था काम से, तो नॉर्मली जो रेट होता है वो 3,500-4,000 होता है, पर अभी जो चल रहा है वो 10-10 हज़ार हो रहा है। तो ठीक है, काम के वजह से हमने भर दिया एक बार, पर अभी वापस अभी दूसरी बार ये कंटिन्यू हुआ लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा हमको भी। ऐसे 10-10 हज़ार तो हम नहीं भर सकते ना। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हवाई यात्रियों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने 626 फ्लाइट्स के रद्द होने से पैसेंजर्स को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। टिकट के लिए मारामारी के हालात बन सकते हैं। हालांकि एयरलाइंस ने कहा है कि पैसेंजर्स को अल्टरनेटिव फ्लाइट्स और रिफंड की सुविधा दे रही है। ऐसे में जी बिजनेस सवाल उठा रहा है, आखिर कब तक हवाई किरायों को लेकर एयरलाइंस की मनमानी जारी रहेगी? फ्लाइट कैंसलेशन का खामियाजा यात्री क्यों भुगते हैं? क्यों नहीं हवाई किराए की कैपिंग कर दी जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आसमान पर है हवाई किराया, मुंबई का किराया हो या फिर यहाँ कोलकाता दिल्ली का किराया हो, जो किराया है वो आसमान छू रहा है और लोगों को परेशान रही है, क्योंकि दाम पर आपको टिकट मिलते थे उससे कहीं ज्यादा अब आपको यहाँ पर चुकाने पड़ रहे हैं। तो कुछ बिजी रूट्स पर फ्लाइट के किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये आपको बता रही है शालिनी कपूर। Yeah.
इंडिगो और गो एयर की कुछ फ्लाइट्स क्या कैंसिल हुई, इसमें यात्रा करने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हीं लोगों की दिक्कतें नहीं बढ़ी हैं जिनका टिकट पहले से इसमें था, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो शायद वो जहां पहुंचना चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं जो इन रूट पर ट्रैवल करना चाहते थे, क्योंकि बाकी जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने अपना फेयर बढ़ा दिया है। एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं, अमूमन अगर आप दिल्ली से बंबई जाना चाहते हैं तो किसी भी एयरलाइंस में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख का आप फेयर देखिए मुंबई से दिल्ली का, तो आपको तमाम जो एयरलाइंस हैं उनमें 11 हजार से ज्यादा ही आपको रुपए दिखाई देंगे। 12 हजार, 15 हजार, 15 हजार, इससे ज्यादा फेयर ही आपको दिखाई देगा। मतलब अगर आज की तारीख में आप दिल्ली से बंबई जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी जेब जो ढीली आपको करनी होगी वो 11 हजार से ज्यादा रुपए की करनी होगी। इसी तरह से अगर हम नई दिल्ली से कोलकाता जाने की बात करें, इसका किराया भी आम दिनों में काफी कम होता है, लेकिन 16 तारीख यानी अगर आज की हम बात करें तो नई दिल्ली से कोलकाता जाने का किराया भी तमाम फ्लाइट ने बढ़ा दिया है। इंडिगो और गो एयर की फ्लाइट जो कैंसिल हुई है उनके चलते अब ये तमाम फ्लाइट एयर इंडिया, जेट एयरवेज ये लोगों से ज्यादा रकम वसूल कर रहे हैं। अगर आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये नई दिल्ली से कोलकाता का किराया है। इसी तरह अगर हम अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद से मुंबई का किराया भी आम दिनों में काफी कम होता है, लेकिन अगर आज आप इस रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको काफी मोटी रकम खर्च करनी होगी। ये देखिए 6 हजार रुपए, 12 हजार रुपए, 13 हजार रुपए, यानी जो मिनिमम किराया है वो 10 हजार से ज्यादा का ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिगो और गो एयर कि जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उनके चलते बाकी फ्लाइट्स अब मोटा मुनाफा वसूलना चाहती हैं। और अगर किसी भी कारण से आपको आज की तारीख में इस रूट में ट्रैवल करना पड़ जाए, कोई मजबूरी आ जाए, कोई बहुत बड़ी वजह आ जाए, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। और झांसा जो ज्यादातर फ्लाइट्स आपको देती है कि अब आप ट्रेन के किराए में ही फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं, हम सस्ती आपको फ्लाइट मुहैया करा रहे हैं, इन दावों के ऊपर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई उसके बाद। तो बिल्कुल शुक्रिया शालिनी, आपने देखा कि कैसे प्राइस जो है वो अब जितना आप देते थे उससे 2 से 3 गुना तक बढ़ गया है। दिल्ली मुंबई की फ्लाइट जो आपको 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाती थी अब करीब करीब 12 हजार रुपए तक पहुंच गई है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। सुभाष गोयल जी हैं, चेयरमैन हैं एसटीआईसी ट्रेवल्स के, यूके बोस एविएशन एक्सपर्ट मेरे साथ है, डॉक्टर सनत कौल है और साथ ही साथ बेजॉन है मेरे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले यूके बोस मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर हम बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले ही और तब मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि देखिए डीजीसीए ने इन हवाई जहाजों को ग्राउंड कर दिया है, उसके बाद परेशानी ये जरूर आएगी कि जो नॉर्मल सी टिकट है उसके दाम भी आसमान छूने लगेंगे। और अब 2 दिन बाद हुआ यही है कि आसमान छूने लगे हैं प्राइसेस। दिल्ली मुंबई का टिकट आपको 12-13 हजार रुपए से कम में नहीं मिल रहा है। देखिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो शायद इंडिया के एयरलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये जो आज की तारीख में जो ग्राउंडिंग हुई है ये इस वजह से नहीं हुई है, कोई मेजर इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑल ऑफ ए सन। तो इसकी वजह से जब भी एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड होता है जिसे एओजी कहते हैं, तो ऐसा सिनारियो दुनिया में नहीं पैदा होता है जो इंडिया में हो रहा है। और इसको हर एयरलाइन को समझना होगा कि आज अगर उनसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, मुझे याद पड़ रही है 10-15 साल पहले का हादसा, एक वाकया था जब इंडियन एयरलाइंस में स्ट्राइक हो गई थी, उस दरमियान गोयल साहब हैं लाइन पे, उनको याद होगा कि एक एयरलाइन होती थी ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, इन लोगों ने यही काम शुरू कर दिया था। और हमको याद है, मेरे से बहुत लोगों से बात ने यही कहा कि आज ये ले ले रहे हैं, कल हम इन एयरलाइन में चढ़ेंगे ही नहीं। देखिए ये इम्पैक्ट बहुत, एयरलाइन बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, हर एयरलाइन को समझना चाहिए कि आज आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आप फायदा ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान दे देगा उनको। कल को जब इंडिगो ऐसे तो रहेगी नहीं, इंडिगो अपने एयरक्राफ्ट को ठीक करेगी, नए इंजन आएंगे और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है आज, तो इनको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये आप
अगर फिर प्रोग्राम करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सिचुएशन हो रहा है। तो इसलिए एज एन एक्सपर्ट एविएशन मैं खुद भी एयरलाइन उड़ा चुका हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि एयरलाइन आप इस तरीके से काम ना करें कि कल को नुकसान हो जाए। ये दो दिन की अगर फायदा, इसमें पैसेंजर ही सब कुछ है सर। एयरलाइंस ये करे या ना करे, हम उनको मैसेज पहुंचाएं, वो कितना हमारे मैसेज को समझेंगे या समझते हैं। डॉक्टर कॉल आपके पास आना चाहूंगी, जो बात मिस्टर बोस ने यहाँ पर कही कि देखिए हम इंटरनेशनल तरीके से जब जो एयरलाइन उड़ाई जाती है या जितनी परेशानियां भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री में आ रही है, उतनी परेशानियां जो है वो ग्लोबल लेवल पर नहीं आती हैं। ऐसे में सर क्या डीजीसीए को उठकर कुछ कैपिंग नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि परेशानी है, एयरलाइंस तो अपना सुधार करने में वक्त लगाएगी, डीजीसीए कोई कदम नहीं उठा रहा है, और ये कहना कि आगे जाकर इन एयरलाइंस को एक तरह से बॉयकॉट कर देंगे जो यात्री हैं, वो पॉसिबिलिटी बाद में जब होगी तब देखेंगे। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो नॉर्मल 2-3 हजार रुपए का टिकट है या मान लीजिए 4 हजार रुपए का टिकट है, उसके लिए यात्री को 14 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। एयरक्राफ्ट एक्ट जो अभी भी लागू है उसमें डीजीसीए के पास पावर्स हैं। पावर्स में ये लिखा है कि अगर डीजीसीए समझता है कि प्राइसेस आर एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा हैं या प्रेडेटरी बहुत कम कर दिए, कभी कभी वो डंप करते हैं टिकट्स, तो वो अपना प्राइस फिक्सिंग कर सकता है, वो अपना एक एक्सेसिव प्राइसिंग को देख सकता है। और आजकल केस एक्सेसिव प्राइसिंग का हो रहा है क्योंकि कुछ हवाई जहाज ग्राउंड कर दिए गए हैं, उनमें इंजन डिफेक्ट है, इसलिए सब एयरलाइन ने डिमांड सप्लाई को देखते हुए एकदम से दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। तो ये एक केस ऑफ एक्सेसिव प्राइसिंग है और इसमें इसको देखना चाहिए। दूसरी मुझे कहना यह है कि कंपटीशन कमीशन भी इसको देख सकता है क्योंकि इसमें ऑलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसी लग रही है, इसलिए कि एयरलाइन इज नॉट ओपन बिजनेस। जो साबुन बेचता है वो हजार लोग बेच सकते हैं साबुन, बट एयरलाइन में रजिस्टर करने में ही बड़ा खर्चा होता है, उसको क्वालिफाई करने में बड़ा मुश्किल होता है, ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं मिलता है। तो इसमें अगर सब एयरलाइन मिलकर दाम बढ़ा रही हैं तो इसमें कंपटीशन कमीशन भी देख सकता है कि ये ओलिगोपोलिस्टिक पॉलिसी है या नहीं। पर सबसे पहले तो मैं डीजीसीए पे कहूंगा कि डीजीसीए के पास जब पावर्स हैं तो उसने अभी तक एक्सेसिव प्राइसिंग डिफाइन नहीं की है। और ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि इनको करनी चाहिए कि व्हाट इज बिल्कुल सर प्राइसिंग? मैं यही सवाल बेजॉन से पूछना चाहूंगी। बेजॉन, जैसा कि डॉक्टर कॉल ने यहां पर कहा कि डीजीसीए कैपिंग, एक तरह से कैपिंग शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, वो कर सकता है, एक्सेसिव प्राइसिंग को रोक सकता है, सो दे हैव नॉट डिफाइंड व्हाट इज एक्सेसिव प्राइसिंग। क्या एक्सेसिव प्राइसिंग तब कहलाएगा जब 5,000 की टिकट 50,000 में मिलेगी? नहीं, एक्चुअली रेगुलेटर का काम है रेगुलरली मार्केट पे एक वॉच रखना। सी, रेगुलेटर का काम है ये भी समझना कि हाउ विल दे डेवलप द कॉस्टिंग। सी, हर रेगुलेटर इंडस्ट्री का कॉस्टिंग भी पे नजर भी रखता है और उसी दरमियान वो लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं वो लोग एक सीलिंग लगाते हैं। यूसी, फिर जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग के बारे में भी बात हुआ तो प्रेडेटरी प्राइसिंग पे भी वो लोग वॉच रखते हैं ताकि मार्केट डोमिनेंस ना हो जाए, यू नो, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट आप मार्केट कैप्चर करके अपना मनमानी फिर कल को शुरू कर दो। तो एक्चुअली हमारे कंट्री में अनुनिया जी द प्रॉब्लम इज रेगुलेटर इज नॉट इफेक्टिव। रेगुलेटर ना इंडस्ट्री के पक्ष में काम कर रहे हैं ना कंज्यूमर के पक्ष में काम कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता रेगुलेटर है कहाँ। रेगुलेटर आज हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री में दिख ही नहीं रहा, रेगुलेटर का कोई रोल ही नहीं दिख रहे हैं, रेगुलेटर कभी ऐसा कोई कदम भी नहीं ले रहे हैं जिससे यू नो इंडस्ट्री में ग्रोथ भी हो और एट द सेम टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हो। तो, मतलब एक तरफ कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए करीब करीब 70 एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दिया, लेकिन डीजीसीए जिसे इस बात पर गौर करने की जरूरत थी कि देखिए अगर हजारों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होंगी जब तक इन एयरक्राफ्ट के इंजन नहीं बदले जाते हैं, बिल्कुल बदले जाते तो इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए कि प्राइसिंग किस तरफ बढ़ेगा। दिल्ली कोलकाता या दिल्ली मुंबई की टिकट 15,000 रुपए मिलेगी? नहीं, ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था। यूसी, आप समझने की कोशिश करो कि ये क्लियरली डीजीसीए को एक्सपेक्टेशन था कि जैसे हम ग्राउंड करेंगे वैसे फेयर्स बढ़ेंगे।
लेकिन वो लोग कोई इस पे एक्शन नहीं लिए और ले भी नहीं रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट निकल रहा है, ना कुछ बोल रहे हैं वो लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इंडस्ट्री हावी है उनके ऊपर, जो लोग ये प्रॉफिटेरिंग कर रहा है इस सिचुएशन को देखते हुए, देर इज सम काइंड ऑफ एन एक्सेस विच इज गोइंग ऑन, तो ये तो एविडेंट हो रहा है. तो और आप लोग जो इस चीज को सामने ला रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट अब तो जगेंगे वो लोग, अब तो लोग कुछ करेंगे ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो. हाँ, सुभाष गोयल जी भी हैं, चेयरमैन है एसटीआईसी ट्रैवल्स के. सुभाष जी, एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि देखिए, डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया, उसके बाद प्राइस राइज यहाँ पर हो रहा है, कई फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, इसके बाद अब आने वाले दिनों में ये, फ्लाइट ये पहले बार नहीं हुआ जी. नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आने वाले दिनों में ये नहीं होगा कि प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, यात्रियों को परेशानी और होगी? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, जब किसान आंदोलन हुआ था तो 1-1 लाख रुपए की टिकट बिकी थी चंडीगढ़ की. मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जो आप कैपिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज द राइट वर्ड, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे की अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट एक एयरलाइन की 4000 रुपए है, आप उसको 8000 रुपए पे 100% प्रॉफिट देके उसको कैप करो, क्योंकि जब तक आप एक टैक्सी का फेयर तो कैप कर रहे हो एयरपोर्ट से होटल तक का, राइट, उनका तो प्राइजेस फिक्स कर रहे हो, पर आप जो बड़े बड़े वो हैं उनकी प्राइजेस आप फिक्स नहीं कर रहे. रेगुलेटर, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एक रेगुलेटर है, ही हैज टू रेगुलेट द फेयर्स. व्हाट इज ही डूइंग? इकोनॉमिक रेगुलेटर इज डूइंग नथिंग. तो इसके लिए आप, मैं ये नहीं कहता हमारी एविएशन इंडस्ट्री को प्रॉफिट करना चाहिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, बट दिस डज नॉट मीन एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर. बिल्कुल. तो इसके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि आप एक अपर लिमिट कर दीजिए ताकि उसके बीच में कोई भी फ्लक्चुएट करता रहे, बट ये नहीं हो सकता कि आप मनमानी प्राइसेस करें. ये डिमांड एंड सप्लाई तो चलती रहेगी. आज एयरक्राफ्ट ग्राउंड हुए हैं, कल को कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कल को कुछ और हो गया, तो मतलब एक आदमी अपना बजट नहीं कर सकता. एक टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमें कोटेशन देनी पड़ती है फॉरेन टूर ऑपरेटर्स को, इस फ्लेक्सी प्राइसिंग में हम एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं कोट कर सकते. तो एक अपर लिमिट कैपिंग होना बहुत जरूरी है. और ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डीजीसीए कैन डू इट, दी एविएशन इकोनॉमिक रेगुलेटर कैन डू इट, एंड व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट मुझे समझ नहीं आता. एक नेक्सस बन गया, एक कार्टलाइजेशन हो गया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. और इससे मतलब जो गरीब आदमी है या मीडियम, जो इमरजेंसी में किसी को कोई ऑपरेशन के लिए जाना पड़े, कैंसर ऑपरेशन के लिए जाना पड़े, वो एयरफेयर अफोर्ड ही नहीं कर बिल्कुल सकता. सर, एक तरफ तो सपना दिखाया तो जा रहा है कि मतलब हर चप्पल पहनने वाला आदमी जो है वो हवाई यात्रा करेगा. पिछले 10 साल से इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड इट शुड करनी चाहिए. बिल्कुल सर, इट शुड ओनली बी दैट ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही होना चाहिए. इसे इतना बड़ा या इतना एक्सपेंसिव नहीं बना देना चाहिए कि आम आदमी इसे अफोर्ड ना कर सके. मिस्टर बोस, आपके पास आऊंगी एक बार और समझना चाहूंगी. आपने इस बात की शुरुआत की कि डीजीसीए के पास वो हक है कि वो यहाँ पर प्राइस जो है उसे मैनेज कर सकता है. सर, तो कैसे आवाज पहुंचेगी डीजीसीए तक? आम आदमी जो टीवी देख रहा है इस समय पर, वो ये सोच रहा होगा कि मैं कैसे बताऊं डीजीसीए को ये बात कि देखिए जनाब, यहाँ एयरलाइंस जो मनमाने किराए वसूल रही है, जो अपनी मनमानी से फ्लाइट्स को कैंसिल कर देती है, कैंसिलेशन चार्जेस से लेकर जिस तरह का रवैया ये एयरलाइंस अपनाती है, उसमें सुधार कैसे आएगा? क्या एविएशन मिनिस्ट्री को दखल अंदाजी करने की जरूरत है सर? जी हाँ, जो बातें हो रही हैं ये बातें बहुत बहुत मरतबा हुई हैं, और अभी तक कमर्शियल एंगल से डीजीसीए का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बना है जहाँ टेक्नो कमर्शियल एस्पेक्ट को देखा जाए. मैं 2-3 जगह और मैं बोला हूँ, और वो एक ऐसी कमेटी इनको बनानी पड़ेगी जो रेगुलर बेसिस पे ये मॉनिटर करेगी. आप देखिए, रैंप अप फेयर कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उसका एक अपर लिमिट तय करना होगा और रैंप अप करें. अब यहाँ से 4000 से अगर 12000 हो जा रहा है टिकट, वो ठीक नहीं है. वही मॉनिटर करना, और अच्छे दिग्गज लोग बैठे हैं, ये अगर एक कमेटी को फॉर्म करे कि रैंप अप करके कहाँ तक जाएगी, कितनों दिनों में वो रैंप अप होगा, कितनी सीटें आप उसमें भेज सकते,
ये एक दिन का काम होगा शायद करना, लेकिन कोई कर नहीं रहेगा। मैं तो मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो इस मुद्दे को जरूर उठाए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो अभी नहीं हुआ है, इसके बाद आता ही रहेगा। तो एक कोई फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला एविएशन इंडस्ट्री के लिए, उस फॉर्मूला के तहत इसको भी उसी में डाल के और मॉनिटर करना चाहिए। डॉक्टर और आज तक हमने तो बहुत सारे हादसे देखे ऐसा। डॉक्टर कॉल, एक बात बताइए, इस पूरी चर्चा के बाद तो सर ये लगता है कि भले ही हम 2018 में हैं, लेकिन 2028 आ जाए या 2038 आ जाए, सिचुएशन ऐसी ही रहेगी? नहीं, इसमें ऐसा है जैसे मैंने कहा है कि एक तो कोई अपने आप कमिटी बैठा के कोई कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसमें वी आर अंडर रूल और लॉ, रूल और लॉ में लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि एक्सेसिव प्राइसिंग डिफाइन करिए। हर एक रूट के लिए एक अपर लिमिट होनी चाहिए और एक लोअर लिमिट भी होनी चाहिए। तो दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली मद्रास, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, हर एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें बैठ के काम करना पड़ेगा। पर अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फ्री प्राइसिंग है, बट फ्री प्राइसिंग के अंदर ही प्रोविजन है कि एक्सेसिव प्राइसिंग को देखना चाहिए डीजीसीए को, और प्रेडेटरी प्राइसिंग को भी देखना चाहिए, और इन दो के बीच में एयरलाइंस विल बी फ्री कि जो चार्ज करना चाहे इन दो लाइंस के बीच में जितना चार्ज करना चाहे। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ एविएशन एंड डेवलपमेंट कैन हेल्प पैसेंजर्स इन दिस केस इन एनी वे? वेल, वी कैन टेक अप डीजीसीए, और क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ तो हमारे पास तो कोई पावर है नहीं। वो तो हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे कि आप इस पावर को यूज करिए। हाँ। और उसके अलावा तो हम कुछ अपने आप तो रूल फिक्स नहीं कर सकते, ना प्राइस फिक्स कर सकते हैं। हाँ। सारा तो डीजीसीए पे डिपेंडेंट है। डीजीसीए के दो फंक्शन है, एक सेफ्टी रेगुलेटर है, जिसने वो अब काम किया, थोड़ी देर में किया, पर किया, ग्राउंड कर दिए प्लेन जहाँ की इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। और दूसरा है कि इसके पास प्राइस फिक्सिंग की जैसा कि आपने कहा कि आप मदद कर सकते हैं, आप एक चिट्ठी डीजीसीए को लिख सकते हैं, तो क्या नेशनल टेलीविजन पर इस समय जो तमाम दर्शक हैं हमारे ये शो देख रहे हैं, वो समझ गए हैं एक बात कि डीजीसीए इसे कैप कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि जो ये एक्सेसिव प्राइसिंग है इससे आम आदमी परेशान हो रहा है। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब एक चिट्ठी लिखेगी डीजीसीए को? विल यू कमिट दैट सर? हाँ बिल्कुल लिखेगी, बिल्कुल लिखेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। मिस्टर गोयल, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? हम लिखेंगे, एक आध दिन के अंदर लिख देंगे तैयार। अगर आप डेट चेंज करते हो एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में, तो सारी एयरलाइंस आपसे कैंसिलेशन लेती हैं। पर एयरलाइन अगर अपना फ्लाइट ग्राउंड कर दे किसी भी वजह से और दूसरी फ्लाइट पे भेजे, तो वो कोई कंपनसेशन नहीं देते। यूरोप में डिनाइड बोर्डिंग कंपनसेशन है। तो जो रेगुलेटर है हमारा डीजीसीए या एयरपोर्ट रेगुलेटर, एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमें अपर लिमिट कैप करनी चाहिए, और साथ में हमें जो रूल्स हैं डिनाइड बोर्डिंग के, जो एक्सेसिव बुकिंग हो जाती है, उसके ऊपर भी जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको टेक केयर करना चाहिए। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है, इसका मतलब आपका चैनल बड़ा पॉपुलर चैनल है जी। गोयल साहब, मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगी सर, एक आखिरी बात बस मैं बेजॉन से करूंगी और उसके बाद शो को वाइंड अप करूंगी। बेजॉन, इस पूरी डिस्कशन के बाद एक बात तो तय है कि एविएशन सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है, फिर चाहे एक्सेसिव प्राइसिंग को लेकर हो, कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर हो, यात्रियों के हक की बात हो, और दूसरी तरफ एयरलाइंस के लिए भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो, उन्हें भी किसी तरह का लॉसेज ना हो, काम बहुत सारा है। और डीजीसीए को शायद हमें बार बार ये आवाज अब उठानी पड़ेगी, क्योंकि उन तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है कि एक्सेसिव प्राइसिंग जो है उससे आम आदमी बेहद परेशान है। या अनुन्या जी, व्हाट आई वांट टू टेल यू क्लियरली, हम ये बताना चाहते हैं, कंज्यूमर ऑलवेज चाहता है कि हर व्यापारी प्रॉफिट कमाए, लेकिन वो जरूर ये नहीं चाहता है कि वो प्रॉफिटियर करे। यू सी, ये प्रॉफिटियरिंग हुआ, विच इज अ वेरी वेरी बैड वर्ड एंड अ बैड एथिकल प्रैक्टिस इन बिजनेस। हम लोग देखे हैं इस ढंग के सिचुएशंस में, आपका कार्यक्रम को देखते हुए, द ओनली रास्ता इज गेट अ कोर्ट डायरेक्टिव
टेल द गवर्नमेंट दैट यू प्लीज टेल द रेगुलेटर कि उनको करना चाहिए, उनको रोक लाना चाहिए। अब सरकार को दखल अंदाजी करनी चाहिए, रेगुलेटर को कहना चाहिए कि आप कैपिंग कीजिए, डिफाइन कीजिए एक्सेसिव प्राइसिंग को भी, और उसके बाद एक रूट पर तय किराए से ज्यादा किसी भी यात्री से ना वसूला जाए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया, नमस्कार।